तो भाई तब तक मम्मी ने तैयार कर दिया है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बने हैं आज क्या परांठे बने हैं? पनीर प्याज के परांठे। अरे मैं कर अच्छा इतनी चला के अभी तो ये अंदर नहीं, इसको देखो ना अभी तो ये परे माती बैठी हुई है, अब बना रही है सारा ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने ज्यादा कपड़े पहन लिए। इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि शिमला में मौसम खराब हो चुका है। कल रात को थी तेज बारिश, अभी बारिश रुकी है, मौसम थोड़ा सा साफ हो रहा है, और इतनी ज्यादा ठंड होगी मैं क्या बताऊँ। इतनी ठंडी हवाएं चली है और पहाड़ों में हाइट में गिर रही है बर्फ, इसी वजह से शिमला में बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है। कल मैं ध्रुव के साथ बात कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस हफ्ते ही मेरी शादी है। अदरवाइज वैसे लग रहा था कि हाँ अभी आएगा वो टाइम आएगा, बट फिर पता लगा कि 3-4 दिन ही रह चुके और अभी तैयारी बाकी है। तो आज हम जो करेंगे, आज करेंगे हम पैकिंग, क्योंकि पैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज पहला नवरात्रा भी है, तो आप सभी को पहले नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो देखो आप, आज शिमला का मौसम किस तरह से बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है, और अभी तो बादल थोड़े से साफ हो रहे, इधर से क्लियर हो गया एरिया, और आप सबको तारा देवी माता के दर्शन, जय हो तारा देवी माता। तो जी सुबह सुबह यहाँ पे तो कुछ लिस्ट तैयार हो रही है। गुड मॉर्निंग, उठ गए आप? हाँ जी हाँ जी, पूरी नींद होनी चाहिए ना, ऑब्वियसली भाई, दूल्हे को पूरा प्रॉपर रेस्ट चाहिए। कल ही आपसे इतना ट्रीटमेंट करा के हिल चुका हूँ मैं, तो थोड़ा रेस्ट तो चाहिए था। थोड़ा सा तो रहता है यार, वो तो पोस्ट ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट्स तो थोड़े रहते ही है, बट पर हाँ ये है कि दूल्हे के साथ जो और भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी इक्वल रेस्ट इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, सबको रेस्ट बहुत जरूरी है। आप ये बताओ अभी किस चीज की लिस्ट बन रही है? पापा लिस्ट, ये लिस्ट फाइनल लिस्ट बन रही है अभी है। अच्छा, कि भाई जहाँ पर हमारा वेन्यू है वहाँ पर सब कुछ एवरीथिंग तैयार होनी चाहिए वहाँ पर। अच्छा, कोई किसी चीज की भी कमी ना रहे, छोटी छोटी चीजें जैसे हमने मिनट टू मिनट जैसे जो वहाँ का प्रोग्राम है उस हिसाब से कोई भी चीज रेडली अवेलेबल रहे वहाँ पर। नेक्स्ट क्या है वो आपको पता हो, और क्या क्या किस तरह से हमने ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, क्या रिमेनिंग है जो हमें और प्लान आउट करना है, किस किस को कितने एडवांस किस किस को गया हुआ, कितनी पेमेंट बाकी बची है, कितना वो, क्योंकि उस टाइम इतना याद नहीं रहता, वैसे भी याद नहीं रहेगा। आपके पास मतलब बिल्कुल चाहिए तैयार है आपके पास? हाँ जी रेडी चाहिए ये, क्योंकि हमने किस किस को जी एडवांस किस को कितना गया है, उसके फाइनल बात कितने की बैलेंस कितना उसके पास रहा हुआ है, ये बहुत सारे है लोग जो जिनको होनी है पेमेंट होनी है, और किस किस तरह से जैसे सुबह यहाँ पूजन होना है, उसके बाद फिर जहाँ पर हमारा वेन्यू है वहाँ पर सारा सामान लेके जो जो चीजें वहाँ पर होनी है। और तेरी सारी ग्रूमिंग एंड ऑल इज डन? मेरी अभी लास्ट सिटिंग है, वो मैं सोच रहा हूँ 18 को ही लूँ, और उसके बाद फिर ताकि थोड़ा सा वैसे ही रहे। बाकी तो सब कुछ डन है, और आज हमें पैकिंग करनी है क्योंकि पहला नवरात्रा है, तो सबको हाँ जी नवरात्रे की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे भी जैसे नवरात्रों में बोलते बहुत शुभ होता है, तो इसलिए हमने जो पैकिंग और जो लास्ट का वो रखा था वो 3-4 डेज के लिए रखा हुआ है। और वी आर वेरी लकी दैट के नवरात्रों में हमारी शादी है। और मैं अभी बता ही रहा था कि कल जब मैं और ध्रुव डिस्कस कर रहे थे तो आई रियलाइज्ड कि अभी इसी हफ्ते मेरी शादी है, और जस्ट आफ्टर 2-3 डेज शादी हो जाएगी, नाउ देन यू विल बी मैरिड। टाइम कितना जल्दी फ्लीट करता है यार, सही बात है, बहुत टाइम है अभी, हो जाएगा वो ऐसा लगता है कि भाई अभी तो टाइम है। हाँ मेरे को वही था, इतना नजदीक लगता है कि अब तो 3-4 दिन का ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो ऐसा कोई इवेंट आने वाला है 3-4 दिन बाद, और ऊपर से मौसम ने भाई साहब ओहो हो, शीतलहर जो हमारे को था डर जिस चीज का कि भाई ठंड ना हो जाए, पर हाँ जी वही हो गया, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ठंड हो गई है, अब यहाँ तो ठंड होगी वुलन ड्रेसिंग। हाँ तो शिमला में बहुत ज्यादा ठंड हो चुकी है, तो अगर लोगों ने कॉस्ट्यूम ऐसे बनाए होंगे कि हल्की ठंड के हिसाब से ना, तो उनको कुछ ना कुछ गर्म पहनना ही पड़ेगा। मैं तो ये कहूंगा जो भी आए तेरे दोस्त आए दूर से या हमारे रिश्तेदार जो भी दूर से आए, हाँ गर्म कपड़ा लेके चले, वुलन क्लोथिंग के साथ आए, क्योंकि सुबह हाँ सुबह शाम जो है यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, सुबह शाम यहाँ ठंड हो चुकी है, और इसका फर्क और पड़ेगा और ठंड पड़ेगी बिल्कुल। और अभी देखो बाहर मौसम थोड़ी सी धूप आने लगी है। हाँ जी लो जी, ये है शिमला का मौसम, अभी थे बहुत ज्यादा बादल, यहाँ से थोड़ा सा साफ हुआ और यहाँ से दिख रही है कहीं से किरणें आ रही है, तो धूप आ जाएगी,
और इसके बाद बैठेंगे भाई धूप में, अगर धूप आई तो। तो भाई तब तक मम्मी ने तैयार कर दिया है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बने हैं आज क्या, परांठे बने हैं, पनीर प्याज के परांठे। अरे मैं तैयार कर दी। अच्छा इतनी चला के अभी तो ये अंदर नहीं, इसको देखो ना अभी तो ये परे माती बैठी हुई है, अब बना रही है सारा ये। अब बोल गया कि मैं करती हूँ। नहीं चलो अच्छी बात है, हेल्प कर रहे हो। ये है मम्मी ने जो बनाया हुआ है, और ये जो है शैलजा दीदी बना रहे भाई। नहीं ओ शेट, देखो गप्पों में चाय गिर चुकी है। पर एक बात बताऊं शैलजा दीदी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है आपके और मम्मी में आज, पर यह है कि मम्मी परांठे अच्छे बनाते, जैसे भी हैवी भले ही है पर स्टफिंग परफेक्ट होती है एकदम बढ़िया। हाँ चलो बनाओ फिर आप, करते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैं आया था कुछ सामान लेने हॉल में, तो हम लोग सब सोए हुए थे तो बिस्तरे इसी तरह से डाले थे, ढेर यहाँ से गिर चुका है तो इसको ठीक कर लेते हैं, नहीं तो दादी ने अभी आते ही जो है ना सबको डांटना है, तो ये सेटअप ठीक करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे पैकिंग कम और लड़ाई ज़्यादा हो रही है, तो शैलजा दीदी ने सुबह से शैलजा दीदी ने दो लोगों की पैकिंग नहीं हो रही शैलजा दीदी से, मैंने इतने बैग पैक भी कर दिए, तो अब मैं दादी का ऊपर हेल्प, दादी की हेल्प करके भी आया, ऊपर बिस्तरा रखा है। करो करो लड़ो मत, और है ना, और बैग खाली अभी तक भरा ही नहीं है, देख रहा हूँ मैं। मेरा करा दिया, अब मेरी तो हो गई है। अच्छा आपकी होगी है? हाँ मेरा तो हो गया। अच्छा मम्मी की बारी है, पूरे इस इवेंट के लिए जो भी है, इवेंट वाइज मेरा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। शैलजा की बारी है, अब तभी लड़ रहे हैं, मैंने सोची इतनी आवाज की बारी है, अभी तो दादी की भी बाकी है, दादी की भी करानी है हमने। मेरा कुछ नहीं, मैंने ये नखरे करनी है, करने नहीं, दादी ने बिना कपड़े लिए यही से ऐसे जाएंगे एक ही कपड़े में। चलो कोई नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। तो ये देखो ये मैंने अपना एक ये वाली अटैची मेरी भर चुकी है, एक ये वाली है, एक ये वाली, तीन तो ये हो चुकी है भाई, दूल्हे का इतना ज्यादा सामान होता है। फिलहाल के लिए तो यही है, अभी अगर और बनेंगे एक दो बैग तो वो अलग बात है। तो जी अब यहाँ पे पैकिंग हो रही है दुल्हन की अटैची की, तो इतनी डिस्कशन के बाद पता नहीं अब क्या निचोड़ निकला होगा, कुछ हो रहा है फाइनलाइज हो रहा है ना। पारा गरम है शैलजा दीदी का, इस टाइम हर चीज ऐसे मांग रही है, ये कहा है। तो दादी अभी तक वो थे ना, अभी तक शराब थे इसलिए नहीं किया, अब आज नवरात्र है पहला इसलिए किया, बस अब तो हो गया लास्ट रह गया, फिर तो इसके बाद फ्री है, तो ये वाला फाइनलाइज करके फिर लंच भी करना होगा ना। तो भाई अपनी पैकिंग हो चुकी है, दुल्हन की अटैची भी बिल्कुल एकदम हमने तैयार कर दी है, और अपना मैक्सिमम काम हो चुका है, दादी को मजा आ रहा है, म्यूजिक दे रहे हूं। बिल्कुल थोड़ा घर से बाहर हो तो आपको हर चीज लेके जानी पड़ती है, फिर वही है ना, अगर कोई चीज छूट गई तो वापस कैसे आओगे, इतने बिल्कुल मुश्किल होता है, जैसे आपने जाना है फिर आप वेन्यू छोड़ के फिर घर आए चीज। हाँ बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग आपको वेन्यू में ही होनी चाहिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि एक दो तीन चार पांच, पांच अटैचियां तो ये फाइनल हो चुकी है, और बाकी अभी थोड़ा बहुत और सामान है, और शैलजा दीदी को भी जाना है क्योंकि इनको भी अपनी तैयारी करनी है, बस ये वाला बैग रह गया पापा, ये मेरे वाला बैग की जिप नहीं लगी हुई, मैं खुद कर लूंगा, कोई नहीं छोड़ो आप, इसका पता है ओवरलोडेड हो गया है। नहीं नहीं मैं करूंगा इसको, खुद करूंगा, ओवरलोडेड नहीं हुआ है, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। हाँ जी हाँ जी, ये मम्मी पापा की रेड वन, बाकी ये एक नेहा की है। अब यहाँ से सारा सामान लेके जाना पड़ेगा ना, वहाँ पे तो जरूरत किसी भी चीज की पड़ सकती है, अगर एक भी चीज मिस आउट हुई ना तो हम मतलब बहुत सफर करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है फिर, बाय बाय, मुझे अपनी भी तैयारियां करो करो भाई, दादी भी जा रही है लगता है। चलो ठीक है शैलजा दीदी, सी यू सून, अब नहीं आओगे आप? देखते हैं यार, मेरे को अपनी भी तैयारी करनी है ना, आज शाम को कर देते हैं। हाँ चलो परसों शाम को, चलो लेट्स सी। नहीं अगर यहाँ पे जैसे लोग आने शुरू हो जाएंगे ना तो आपने उस हिसाब से आ जाना। चलो लेट्स सी, अब देख अपनी तैयारी आज कर दो, ओके बाय बाय। तो जी शादी की फाइनली जो बोल सकते हैं ना तैयारी शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं गिफ्ट रैप यहाँ पे है, और एक दो तीन चार
सूटकेस एक और लेके आना है और थोड़ा बहुत सामान है वो भी जुड़ जाएगा। तो ये लाइन पूरी भरने वाली है और यही सामान है जो बेसिकली अभी हमें लेके जाना है और इसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो जुड़ता रहेगा। तो मनीत और चाचू भी आए, आप लोगों की तैयारी पूरी है? हमारी तैयारी तो बहुत पहले पूरी हो चुकी है पर एक वो जो अभी मनीत का जो 50-50 है आएगा कि नहीं आएगा उसमें कुछ विचार हुआ क्या, कुछ बन रहा है? अभी विचार चल रहा है थोड़ा। अच्छा अभी भी चल रहा है, चलो कोई नहीं। एकदम मैरिज के बाद है बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में अपने आप में इसको ऐसा लग रहा है कि कहीं खाना पीना है, हाँ जी, शादी में जाना है, ठंड है, गर्मी है, नाचना है, गाना है, टाइमिंग है, लेट हो जाएगा, लेट हो जाए, कुछ हो जाए, तो मतलब बड़ा सेंसिटिव सा दौर चल रहा है, हाँ जी, तो अंडर कंसिडरेशन है सारी चीजें, तो शादी का मन भी पूरा पूरा है, ये तो है। साथ में पेपर भी इक्वली बिल्कुल। स्कूल टाइम में हम लोगों के भी बहुत सारे इवेंट्स छूट जाते थे, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, जब तक आप पढ़ रहे हो, और इवन जब आप जॉब भी करोगे तब भी डिपेंड करता है कि आपको समय है कि नहीं है। तो मतलब लाइफ में ये चलता रहता है, कभी आप कहीं जा पाओगे कहीं नहीं भी जा पाओगे, तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ आई थिंक। हम लोगों ने भी बहुत सारे इवेंट मिस किए हैं, तो अब जाके जैसे अब कर सकते हैं हम लोग थोड़े बहुत एंजॉय जो हम कर सकते हैं, लेकिन फैमिली की मैरिज पर ही अदरवाइज प्रायोरिटी तो अपने कैरियर की होती है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बाकी डिपेंड करता है मनीत पे, मनीत क्या करता है, हाँ जी, मन को मन होगा जाने का तो शादी में जाए, हमारी वजह से कोई ऐसा है, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, वो नहीं है, रोक नहीं है, हाँ जी। बाकी पेपर अगर इसकी प्रायोरिटी पेपर है तो पेपर देना भी बहुत ही बहुत जरूरी है। नहीं नहीं ठीक है, जो भी इसको ठीक लगेगा अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेगा। हाँ, और मनीत का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ, वेरी नाइस यूनिक। ये वो सर्विस मैं ही मुकर रहा था, नहीं मैंने भी करने प्रोफेशनल लड़का जो आया था, हाँ जी हाँ जी कर रहा है जो कटिंग बिल्कुल, तो बहुत प्रोफेशनल। तो चाचू ने एक जैसे अर्बन कंपनी वाले होते हैं ना वो होम सर्विस आके करते, तो वैसे भैया थे तो वो भी शिमला में होम सर्विस करते, घर पे जाके कटिंग करते, हाँ। तो उन्होंने मनीत की कटिंग की डेमो देने के लिए, तो कितनी अच्छी कटिंग की, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी बिल्कुल। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो भैया से सारे काम घर पे कराते, जरूरी नहीं था सलून जाना, क्योंकि भैया हर तरह का काम करते हैं, तो दैट्स गुड थिंग। बाकी अक्षय आपका हम भी पूछना चाहेंगे कि वो ही रहता है काम, क्या कितनी तैयारियां हो गई है शादी की? और ये बैग्स, बैग्स हाँ, जब मैं ये बैग्स ऊपर लेके आ रहा था तो चाचू बोल रहे थे कि मैं भी आता हूँ हेल्प करने, तो ये चाचू हम लोगों ने बेसिकली सारे बैग पैक करके रख लिए जो इनिशियली हमारे को यूज होने हैं, हाँ। जो मेजॉरिटी में हमारे को सामान दिख रहा तो हमने वाइंड अप कर दिया, अच्छा। अब हमारे जो माइनर जैसी चीजें जो हमने लेके जानी है तो वो भी असेंबल करके एक जगह इसलिए रख रहे ताकि याद रहे कि कितने सारे बैग बन गए और उठा के एकदम चल पड़े। एक्चुअली थोड़ा मैरिज का वेन्यू डिफरेंट, हाँ उस वजह से बड़ी दिक्कत आती है, कहीं कोई चीज रह जाए तो आना जाना वही हो जाएगा। बल्कि हम प्रिकॉशनरी एक दो चीज ज्यादा लेके जा रहे हैं, आपको पता है अगर छोटी सी भी चीज आपको नहीं है वहाँ पे अवेलेबल तो कौन घर आएगा, किसके थ्रू आप चाबी भिजवाओगे, अब सब लोग वहाँ होटल में तो कोई क्यों ही आएगा, उसका टाइम भी तो जाएगा उतना, तो काफी सारी चीजें शिमला का रहता है, अगर आपने एक घंटे के लिए भेजा तो उसका 2-3 लग जाएगा, ट्रैफिक का बिल्कुल बहुत इशू होता है बिल्कुल, तो वो राइट फ्रॉम कुफरी टू शिमला, पूरा शिमला जो है ना ट्रैफिक ही ट्रैफिक बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, सही बात है, इसलिए बड़ा प्रिकॉशनरी हमारे को हर चीज तैयार करनी पड़ेगी, और शादी में कोई चीज ऐसी ना रह जाए जो जरूरी बिल्कुल बिल्कुल ना बहुत मुश्किल है, और मार्केट नहीं है वहाँ नियर बाय, वो ही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो पर अब ऐसा है कि जैसे एक दो दिन में मे भी शायद लोग आने शुरू हो जाएंगे, हाँ। क्योंकि अब तो वैसे ही दिन नहीं बचे हैं, तो मैक्सिमम तो उसी दिन आएंगे 19-20 को, पर हो सकता है इनिशियली पहले कुछ लोग आ जाए, हाँ, तो थोड़ा बहुत माहौल उस हिसाब से बनेगा। वैसे अभी हमारा माहौल वैसा है नहीं है जैसे शादी को चाहिए, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था में व्यस्त है, तो जो है यहाँ पे तो बस ऐसा ही है, थोड़ा बहुत होती रहती है मीटिंग्स और वो उसी में ही काम चलाते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, मैरिज में आने का लोगों का आ भी सकते हैं, फिर डाइवर्शन हो जाएगा, अगर कोई चीज रह जाती है, हाँ जी, तो फिर जब लोग आने शुरू होते हैं फिर तो और डाइवर्ट होता है, चीजों को ठीक कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, साथ का साथ मैनेज कर रहे हैं बिल्कुल बाबा, पैक कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी एकदम जैसे हुआ वैसे बिल्कुल, सिर्फ ये आइडिया रहना चाहिए कि हाँ जी बिल्कुल, हमारे को वैसा भी ये है कि इतना उठा के लेके जाना है, पहुंचाना है बस, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर कुछ रह भी जाता है तो उसको कैसे मैनेज करना है वो, हाँ, थोड़ा सा काम कर रहे,
तो चलो ठीक है, इनिशियली यही चीज है जो हमारे को अभी चाहिए। हाँ। बाकी तो होता रहेगा धीरे धीरे ना, बाकी तो कभी एक मीटिंग थोड़ी रखनी पड़ेगी। अभी तो और रखनी है मीटिंग्स। अभी एक और काम भी है, जब आप लोग जाओगे 18 को, फिर आप लोगों को वहां से उनसे रूम नंबर भी लेने हैं, फिर नाम के हिसाब से जो जो लोग हैं उनके रूम नंबर पहले ही लिख के व्हाट्सएप करके भेज दिए। हाँ, उस दिन उन्होंने जाना है रिसेप्शन से, बस की लेनी है, अपने रूम में गए चेक इन किया, उसमें ना किसी पर्टिकुलर किसी एक आदमी की लाइबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत भी नहीं है। लिस्ट उनको दे दी, नाम दे दिए, उसी हिसाब से चाबी उन वहाँ पड़ी है, आप रूम नंबर बताओ और चले जाओ। तो ये मेरे ख्याल से दिस विल बी यू नो इजी वे, आओ अपनी नाम लो और चाबी लेके चले जाओ, तो मेरे ख्याल हो जाएगी और उससे ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी ना, पता चल जाएगा इस रूम में ये, उस रूम में ये, और कैसे मैनेज करना है। नहीं तो उस दिन सब लोग आ जाएंगे, वो पूछेंगे हमें कौन से रूम में जाना है, क्या करना है, तो वो फिर मिसमैनेजमेंट वाला काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा ऐसा कुछ प्रयास करते हैं, पूरा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ जी, और लोगों को टाइम से कन्वे कर लेंगे, बिल्कुल अपने रूम पे गए। हाँ जी, और जो भी होना है इजी होना है, कुछ करना है, बिल्कुल आराम से। तो ब्लॉग्स कितनी अच्छी चीज है, साथ साथ में सबको पता चल रहा है कि हमारी बेसिक प्लानिंग क्या है। नहीं तो उसी दिन देखने को मिलता, अच्छा ये हो गया वो हो गया, पर उससे पहले क्या क्या कर रहे हैं तो वो भी देखने को मिल रहा है ना। बिल्कुल, सारे व्यूअर्स जो है ना, हाँ जी, टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे हैं, बिल्कुल ये बात अच्छी है, सही बात है। छोटी छोटी चीजें होती है जो एक्साइटमेंट बढ़ाने लगती है। हाँ जी, एग्जैक्टली। और जो है ना, मीडिया का फायदा यही है कि भाई जितनी मीटिंग हम करते हैं वो सॉर्ट ऑफ इनके साथ मीटिंग हो रही है, बिल्कुल हो जाती है, आइडियाज आते हैं और कई बार बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, हेल्प हो जाती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत चीजें बताए ताकि उस पर हमें थोड़े से रिव्यूज भी मिल जाए कि क्या है कैसे है, तो बात करने से ही बनती है ना। बहुत अच्छा, तैयारियां भी है और कोशिश भी हम कर रहे हैं कि जो इवेंट है सक्सेसफुल रहे। हाँ जी, और किसी प्रकार की कमी ना रहे। हाँ जी, लोग आएंगे दूर दूर से आएंगे तो उनका अच्छी तरह वेलकम वेलकम भी हो और उनको हम अच्छी तरह अपने शिरदत के साथ बिल्कुल के साथ हम पूरी सेवाएं दें। बिल्कुल, तो हमारी सबकी यही कोशिश रहेगी, बिल्कुल एक कंबाइंड एफर्ट्स है कि जो भी आ रहा है तो हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे और सब एंजॉय करके जाए। आई होप ये अच्छा भी रहेगा और हम सक्सेसफुल भी रहेंगे और अच्छा इवेंट करेंगे ये वाले। थोड़ा ये पटा रहा कि दिव्यम नहीं आ सका, दिव्यम नहीं आ सका, हाँ का भी थोड़ा गड़बड़ हो गया जिस हिसाब से, बिल्कुल हाँ बिल्कुल टोटल परचेजिंग कर ली इसका सूट बूट सारा, बिल्कुल, और मनीत की प्लानिंग भी पूरी थी, लाटू बन के जाएगा इसकी भी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस दिन के लिए इस वक्त के लिए पूरा मतलब, और मैं बिल्कुल निश्चिंत था, मैं का मेरा लाटू बिल्कुल तैयार है, मैं का कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो कैसा बनता है, जैसा भी बनेगा लेट्स सी। तो जी, घर के सामने हो चुका है सनसेट और होने लगी है रात, और कुछ इस तरह से है हमारे आसपास का रात का नज़ारा, और अब जो है ना घरों की लाइट्स भी ऑन हो चुकी और दादी भी आए अभी धूप जलाने। तो आज पता क्या, आज ना आज सुबह से लाइट नहीं थी क्योंकि रात को ना बहुत तेज बारिश हुई, उस वजह से लाइट चली गई थी सुबह। अब आई डोंट नो, कुछ मेंटेनेंस काम था इस वजह से लाइट नहीं आई थी, अब जाके लाइट आई है इसलिए मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाया। आज हमें बहुत ज्यादा काम थे, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी थी, वो भी हमने लगभग कर लिया। तो यार अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करूंगा क्योंकि और भी थोड़े बहुत काम है जहाँ पे डिस्कस करना है, थोड़ा सा सेटल करने चीजें, तो मुझे उसमें टाइम लगेगा। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अच्छे दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।